हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विन समाई समरन। आज हम सीखने वाले हैं ये बहुत ही सुंदर सा मेकअप लुक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाई करेंगे हेयर बैंड। इससे टाई करना बहुत जरूरी है ताकि जो बाल हैं या बेबी हेयर है वो बिल्कुल भी फेस पर ना आए और हम आराम से अपना मेकअप कर पाए। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ टोनर, जो कि है TNW का रोज वाटर टोनर, और इसे हम ड्राई कर लेंगे प्रॉपरली। इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ सेटाफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन, बहुत ही अच्छा रहता है ड्राई स्किन के लिए। यहाँ पे मेरी क्लाइंट की जो स्किन है वो एक्सट्रीम ड्राई है, इसीलिए मैं अच्छे से ये लोशन अप्लाई करूंगी फेस पर। इसके बाद बारी आती है लेंस की, तो यहाँ पे मैं दाहब का लेंस यूज कर रही हूँ इन द शेड हनी। बहुत ही सुंदर शेड है ये, और इसे भी हम अप्लाई कर लेंगे। मेक श्योर आपके हैंड्स अच्छे से वॉश्ड हो इसको अप्लाई करते वक्त। इसके बाद मैं रिकोट का काजल यूज कर रही हूँ अपर वाटर लाइन पे, इससे जो आई मेकअप है वो बहुत ही सुंदर लगता है। और जैसे कि आज हम विंग लाइनर अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ टेप, और इसकी गाइडलाइन जो रहती है वो रहती है आई कॉर्नर से आईब्रो कॉर्नर तक, यानी कि दोनों के कॉर्नर्स को आपने गाइडलाइन लेके इसको अप्लाई करना है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप से, तो यहाँ पे मैं टार्ट शेप टेप कंसीलर यूज कर रही हूँ इन द शेड लाइट न्यूट्रल, और इसे प्रॉपरली ब्लेंड कर देंगे यूजिंग अ मिनी ब्यूटी ब्लेंडर। तो यहाँ पे मैं PSC का मिनी ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूँ, और मैं हमेशा डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर यूज करती हूँ, यानी कि उसको वाटर से गीला करके और उसके बाद उसको टॉवल से ड्राई करके ही मैं यूज करती हूँ। एंड इसके बाद मैंने पाउडर लॉक किया, कोई भी लूज पाउडर आप ले सकते हो, मैंने लॉरा मर से लूज पाउडर लिया था। इसके बाद अब हम आई शेडो एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने जो यूज़ करा है, मैंने 3 कलर्स का मिक्सचर किया है, ब्लू व्हाइट एंड ब्लैक, जिससे कि मुझे इनके आउटफिट की तरह ब्लूइश ग्रे कलर मिले। और इसके बाद मैं इस पर अच्छे से जो आई शेडो है वो अप्लाई करूंगी। इसी को और एनहांस कर लेंगे अब हम। नेक्स्ट बारी आती है शिमर शैडो की, तो यहाँ पे मैंने इनके आउटफिट से मैचिंग शैडो लिया है और फिंगर से उसको अप्लाई कर रही हूँ। फिंगर से एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया होती है, और इसके बाद मैं इसको प्रॉपरली अप्लाई कर लूंगी ब्रश की हेल्प से भी। सो यहाँ मैं यही करती हूँ, मैं सेंटर में तो फिंगर से अप्लाई करती हूँ क्योंकि वहीं पर प्रॉपर हमारी लुक आती है, और इसके बाद मुझे अगर कॉर्नर से जो है फिनिशिंग देनी होती है तो मैं ब्रश की हेल्प से कर लेती हूँ। कोई भी फ्लैट ब्रश आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अपना फेवरेट आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ, जो कि है शुगर का स्केच आई लाइनर, और टेप के साथ साथ जस्ट हमें जाना है और एक विंग क्रिएट कर देना है। सो आज मुझे अपने आई मेकअप में सबसे ज्यादा अच्छे से दिखाना है आई लाइनर, अदरवाइज हम बहुत बार ग्लिटरी आईज करते हैं, बट आज मैं ग्लिटरी आईज नहीं कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई लाइनर को अपनी USP बना रही हूँ, और आई लाइनर थोड़ा सा थिक और विंग क्रिएट कर रही हूँ। टेप लगाने का सबसे बढ़िया फायदा यही रहता है कि आपके दोनों लाइनर्स बिल्कुल इक्वल रहते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हमें जब थिक और बड़ा लाइनर लगाना होता है तो उसके चांसेस रहते हैं कि वो थोड़ा सा डिफरेंट शेप के हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने टेप लगा के लाइनर क्रिएट किया है। इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ अर्बन डिके ग्लिटर लाइनर इन द शेड मिडनाइट काउबॉय। ये सभी आउटफिट के साथ चल जाता है, तो अगर आपको किसी एक बढ़िया लाइनर में इन्वेस्ट करना है तो दिस इज द वन। इसके बाद मैं ब्राउ बोन हाईलाइट कर रही हूँ, तो किसी भी शिमर शैडो के साथ आप ब्राउ बोन को हाईलाइट कर सकते हो या फिर हाईलाइटर से भी हाईलाइट कर सकते हो। नेक्स्ट हम रिमूव करेंगे अपनी टेप को, बहुत ही जेंटली रिमूव करना है ताकि क्लाइंट की स्किन ना खिंचे। इसके बाद अब मैं आईलैश को कर्ल कर लूंगी, यहाँ पे मैं वीगा आईलैश कर्लर यूज कर रही हूँ, और अच्छे से आईलैशेस को कर्ल कर लेंगे। देन मैं अप्लाई करूंगी मस्कारा, तो कोई भी वाटरप्रूफ मस्कारा आप यूज कर सकते हो। सो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है मस्कारा लगाने का कि आप zigzag मोशन में उसको अप्लाई करो और अच्छे से अप्लाई हो जाता है मस्कारा। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ अपना फेवरेट एम्ब्रोलिस मॉइस्चराइजर एज अ प्राइमर, क्योंकि हम सेटअप फिल को लगा चुके हैं एज अ मॉइस्चराइजर, तो यहाँ पे मैं इसको एज अ प्राइमर और मॉइस्चराइजर दोनों ही लगा रही हूँ, और अच्छे से इसको भी अप्लाई कर लेंगे, इससे जो स्किन है वो प्रॉपरली हाइड्रेट हो जाएगी। तो जब तक ये सेट हो रहा है स्किन में, यानी कि प्रॉपरली अब्सॉर्ब हो रहा है, तब तक हम अप्लाई करेंगे आईलैशेस, और ये आईलैशेस आपको मेरे विनसम हेयर स्टाइल एक्सेसरीज इंस्टाग्राम पेज पे आराम से मिल जाएंगी। अलग अलग लैशेज हमारे पास अवेलेबल है, और आईलैश ग्लू जो मैंने यहाँ पे यूज करी है वो है फ्रॉम आर्डल डुओ डार्क टोन, आप कोई भी आईलैश ग्लू यूज कर सकते हो, और इस तरीके से आपको आईलैश जो है वो अप्लाई कर लेनी है। सो जस्ट मेक श्योर कि ऊपर नीचे नहीं अप्लाई करनी, जस्ट जो हमारी लाइन होती है, लैश लाइन होती है, उसी के ठीक ऊपर आपको ये अप्लाई करना है। इसके बाद बारी आती है कलर करेक्टर की, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज कलर करेक्टर, ताकि हमारी जितनी भी डार्कनेस है या फिर एक्ने स्कार स्पॉट्स हैं उनको हम हाइड कर दें और कवर कर दें। सो यहाँ पे मैं अच्छे से ऑरेंज करेक्टर अप्लाई कर रही हूँ, और ऐसा नहीं है कि फुल फेस पे कर दूँ, जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। मेकअप करते समय आपको यही चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है कि कुछ भी थोपना नहीं है, आपको लिमिटेड क्वांटिटी में लगाना है, क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखो लेसर द बेटर, ठीक है, लेस इज मोर। आपने ये कोर्स बहुत जगह सुने होंगे मेकअप में, सो ये बिल्कुल सही है कि जितना कम लगाओगे उतना फ्लॉलेस आपका मेकअप होगा। सो कम से कम प्रोडक्ट अप्लाई करना है। अब मैं डार्क जो हमने कलर करेक्टर यूज़ किया था ऑरेंज करेक्टर, उसके ऊपर मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, तो ये मेरा टू फेस्ड का बॉर्न दिस वे कंसीलर है इन द शेड वॉर्म सैंड।
10-20 सेकेंड्स ड्राई होने के बाद अब मैं इसको भी ब्लेंड कर लूंगी, और ड्राई मैंने इसीलिए बोला ताकि वो फुल कवरेज दे अपनी, ठीक है, क्योंकि अगर हम एकदम से ब्लेंड कर देते हैं ना तो वो कवरेज कभी कभी पूरी नहीं मिलती। तो ऑलवेज मेक श्योर आप कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो 10-20 या 30 सेकेंड्स तक का आप गैप लो एंड देन उसको ब्लेंड करो, तो कवरेज बहुत ही अच्छी मिलेगी आपको। कलर करेक्टर भी हो गया, कंसीलिंग भी हो गई। नेक्स्ट बारी आती है फाउंडेशन एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मेकअप फॉरएवर अल्ट्रा एचडी फाउंडेशन स्टिक, और इसको एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं अप्लाई कर रही हूँ ऑल ओवर द फेस। मेक श्योर कोई भी पार्ट रहे ना, और इसी से आप थोड़ी थोड़ी ब्लेंडिंग भी करते जाओ और अप्लाई भी करते जाओ। सो इस बार मैं थोड़ा सा अलग तरीके से अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन को, आप देख सकते हो डैप डैप करके मैं अप्लाई कर रही हूँ। एंड ऑल्सो आई एम मेकिंग श्योर कि कोई भी पार्ट रहे ना जाए फेस का जहाँ पे ये फाउंडेशन अप्लाई ना हो, क्योंकि इसके बाद जब हम ब्लेंडिंग करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से तो बिल्कुल इवन होगी, कहीं से भी कुछ भी छूटेगा नहीं, रहेगा नहीं। सो इसके बाद बारी आती है ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने की, तो यहाँ पे मैं मैक का सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ अपने ब्लेंडर पर। इससे क्या होगा कि ग्लो भी आ जाएगा फेस पर और फाउंडेशन जो है वो बढ़िया से सेट भी हो जाएगा। और ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने का तो एक ही रूल है कि आपको डैब डैब ही करना है, जहाँ आपने रब किया वहाँ पे एक तो फाउंडेशन भी हट जाएगा आपका और फिर पैचेस भी दिखेंगे। सो ऑलवेज डैब, जितना अच्छे से आप डैब करोगे उतना फ्लॉलेस आपका बेस बनेगा। यहाँ पर मैं रियल टेक्निक का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, पीएसी का बहुत अच्छा ब्लेंडर है, इवन अगर आपको रीजनेबल प्राइस में चाहिए तो आई मैजिक का बहुत अच्छा है। सो ये कोई भी आप यूज़ कर सकते हो ब्यूटी ब्लेंडर। इसके बाद मेक श्योर जो आपने फाउंडेशन फेस पर अप्लाई किया उसको नेक पर भी अप्लाई करना है और ब्लेंड कर देना है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो फाउंडेशन पैलेट इन द शेड EP 066, और इसमें से डार्कर ब्राउन शेड लेकर मैंने की है कॉन्टोरिंग फेस की विद द सेम ब्रश जिससे मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया, और इससे थोड़ा थोड़ा ब्लेंड भी मैं कर रही हूँ। ब्रश से ही साथ के साथ ब्लेंड करने का फायदा ये रहता है कि हार्श लाइंस क्रिएट नहीं होगी, तो इसीलिए आप भी ये चीज़ कर सकते हो जिससे आप एप्लीकेशन कर रहे हो फाउंडेशन की, कंसीलर की या फिर कॉन्टोरिंग की, उसी से आप थोड़ा थोड़ा सा ब्लेंड भी कर सकते हो ताकि कोई भी हार्श लाइन क्रिएट ना हो। इसी को अब हम ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर रहे हैं। आप चाहे लिक्विड ब्लश या लिक्विड हाइलाइटर या फिर इस तरीके से क्रीम कॉन्टोरिंग कुछ भी कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर आप उसको इस तरीके से ब्लेंड करो कि कहीं से भी किसी भी तरीके से उसकी लाइंस या हार्शनेस नजर ना आए, वो बिल्कुल ब्लेंडेड लगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे NYBA ब्लश यूज कर रही हूँ, दो शेड्स मैं यूज करती हूँ, चेरी ऑरेंज और मेरी मैरून। इनको मैंने मिक्स कर लिया है और एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से मैं इनको अप्लाई कर रही हूँ। आप कोई भी दूसरे ब्रश से इसको अप्लाई कर सकते हो जिससे भी आपको ईजी लगे, या फिर डायरेक्टली आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसको अप्लाई कर सकते हो। इवन मैं तो कभी कभी फिंगर से भी अप्लाई कर लेती हूँ, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन आती है। एंड आप देख सकते हो कितना नेचुरल लुक ये लग रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि पिंक अलग दिख रहा है, ब्राउन अलग दिख रहा है, व्हाइट अलग दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। सो ऐसे ही आपको हर चीज़ जो है वो प्रॉपरली ब्लेंड करनी है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ नार्स का कंसीलर इन द शेड कस्टर्ड, और इसे भी मैं अंडर आइज पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और मेरी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद बारी आती है पाउडर लॉक की, तो यहाँ पे मैंने हैंड में लॉरा मर्सिया का ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है और पैक के पफ की हेल्प से मैं इसको अंडर आइज पे अप्लाई कर लूंगी और थोड़ा थोड़ा ऑल ओवर द फेस पे इस पाउडर को अप्लाई कर दूंगी ताकि जो हमारा बेस है वो लॉक हो जाए, सेट हो जाए। नेक्स्ट बारी आती है ब्रॉन्जर की, तो यहाँ पे मैं बेनिफिट हूला का ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ और इसे भी थोड़ा सा डैप डैप करके मैं अप्लाई कर रही हूँ, और जहाँ पे हमने क्रीम कॉन्टोर करी थी ठीक उसी के ऊपर हमें इसको अप्लाई करना है। पर्सनली आई एम नॉट अ फैन ऑफ कॉन्टोरिंग या फिर ब्रॉन्जिंग, तो इसलिए मैं इसको बहुत ही कम से कम करती हूँ, जस्ट फेस को एक शैडो देने के लिए, ठीक है। तो मेरी मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि वो प्रॉपरली अलग से ब्राउन मेरे फेस पे दिखे, मतलब मेरे क्लाइंट के फेस पे दिखे, तो इसलिए मैं बहुत ही कम एप्लीकेशन करती हूँ इन दोनों की, क्रीम कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्जर की। और इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे नार्स का ब्लश, बहुत ही बढ़िया ब्लश है इन द शेड ऑर्गेज्म, और इसे भी मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट हम फिर से अप्लाई करेंगे अंडर आइज पे लॉरा मर्सिया ट्रांसलूसेंट पाउडर, और इस बारी मैं इस तरीके से यहाँ पे इसको अप्लाई करूंगी ताकि एक बहुत ही अच्छी हमारी फेस शेप आए। इसके बाद बारी आती है ब्राउज को डिफाइन करने की, तो यहाँ पे मैं एनास्टासिया का ब्राउ डिफाइनर यूज कर रही हूँ इन द शेड मीडियम ब्राउन। अगर किसी को भी डार्क ब्राउज पसंद नहीं है या आर्टिफिशियल ब्राउज पसंद नहीं है तो आराम से बिना सोचे ये शेड ले सकते हैं, मीडियम ब्राउन बहुत ही नेचुरल शेड है। और इस तरीके से यहाँ पे हमें आईब्रो को डिफाइन करना है, पहले प्रॉपरली फिल करना है एंड देन उसको कॉम करना है। इसके अलावा हमारे पास ब्राउ डिफाइन करने के लिए इसी का एनास्टासिया का ब्राउ पोमेड भी आता है, उसका भी आप मीडियम ब्राउन शेड यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेचुरल लगता है। सो दोनों ब्राउज को डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट बारी आती है अब हमारा वाटर लाइन और उसके नीचे आई शेडो अप्लाई करने की। सो मैं बिल्कुल सेम शेडो अप्लाई कर रही हूँ जो मैंने ऊपर अप्लाई किया था, और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ पेंसिल ब्रश की हेल्प से। नेक्स्ट वाटरलाइन पर मैं अप्लाई करूंगी स्विस ब्यूटी की वाइट आई पेंसिल जिसका नंबर है E07। सो यहाँ पे मुझे कुछ डिफरेंट ट्राई करना था आज, तो इसीलिए मैंने वाइट पेंसिल लगाई है। अगर आपके क्लाइंट की आईज बहुत छोटी है और उन्हें बड़ा दिखाना है तब भी आप इस पेंसिल को यूज कर सकते हो, बहुत ही प्यारी लुक आएगी।
नेक्स्ट हम लोअर लैशेस पर भी मस्कारा अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीके से आप लोअर लैशेस पर मस्कारा अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और दूसरा तरीका है कि आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, तो वट एवर सूट्स यू या जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से मस्कारा अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर है उसे एक फ्लफी ब्रश की हेल्प के साथ हम हटा लेंगे और बिल्कुल जो है वो डस्ट ऑफ कर देंगे एक्स्ट्रा पाउडर को। एक बार ब्लश को और एनहांस कर रही हूँ क्योंकि पहले थोड़ा कम लग रहा था, तो एक बार और इसको मैंने अप्लाई कर लिया है। अब हम मेकअप को फिक्स कर लेंगे, तो यहाँ पे मैं मैक फिक्स प्लस स्प्रे यूज़ कर रही हूँ और इसके बाद इसको फैन की हेल्प से हम ड्राई कर देंगे। नेक्स्ट बारी आती है हाइलाइटर की, तो यहाँ पे मैं PSE 028 जो कि मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ, इससे मैक का हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। जितने भी हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं, चीक बोन्स, नोज, चिन, क्यूपिड्स बो, फोरहेड, वहाँ वहाँ पे हम प्रॉपरली हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। बहुत ही जेंटल एंड सॉफ्ट हैंड से इसको अप्लाई करना है, अदरवाइज पैचेस पड़ जाएंगे। स्मॉल पार्ट्स के लिए मैं अलग ब्रश यूज़ करती हूँ, जैसे कि टियर टक या फिर नोज़ के अपर पार्ट पे मैं बहुत ही छोटा सा ब्रश यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मॉर्फी का M431। आप कोई भी पेंसिल ब्रश यूज़ कर सकते हो। इसके बाद बारी आती है लिप लाइनर की, तो यहाँ पे मैं नायका का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ जिसके शेड का नाम है चॉकलेट बॉय, और प्रॉपरली इसको लाइन कर लेंगे। सो अभी ये चीज़ बहुत ही फैशन में है, ओम्ब्रे लिप्स कह लो या फिर शेडेड लिप्स कह लो। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले डार्क कलर से हम करते हैं आउटलाइनिंग, जिससे कि लिप्स की लुक जो है वो बहुत ही प्लम्पी और बड़े बोल्ड एंड क्लासी लिप्स लगते हैं। सो कोई भी डार्क कलर लेना है, सो यहाँ पे मैं ब्राउन शेड ले रही हूँ और इसके अंदर हम कोई भी लाइट शेड फिल कर देंगे। सो यहाँ पे मैं ब्राउन से लिप लाइनिंग कर रही हूँ और अंदर मैं पिंकिश टोन का एक लिप शेड फिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने W ब्रांड से 03 नंबर लिया है, बहुत ही प्यारा न्यूट शेड है। सो इसमें पीचिश पिंक कलर का ही शेड है, हल्का सा ब्राउन टोन भी है इसमें। सो ये मैं अंदर की तरफ अप्लाई कर दूंगी और आप देख सकते हो कि मर्ज होके ये कितना सुंदर शेड बन चुका है। और अभी तो एंड में हम जब लिप ग्लॉस इस पर अप्लाई करेंगे तो सोने पे सुहागा, एंड आई लिटरली मीन इट। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे नेक को कॉम्पैक्ट से लॉक कर रही हूँ, तो NC20 का मैंने कॉम्पैक्ट लिया है और पाउडर लॉक कर दिया। इसके बाद मैंने कॉलर बोन्स पे हाइलाइटिंग भी कर ली है और ये लुक है ग्लॉस के पहले, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि अगर आपकी ब्राइड को नथ वेयर करनी है तो आपको ऐसा ही लुक रखना पड़ेगा। और क्रिम्पिंग हुई हुई है, ड्रायर हुआ है, मूस लगा हुआ है। एंड नेक्स्ट ईयर टू ईयर पार्टनिंग के बाद मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ सी सेक्शन, और अब जो है वो बाकी के बालों को हम लॉक कर लेंगे ताकि वो हमारे हेयर स्टाइलिंग करते टाइम बीच में ना आए। इसके बाद जो हमने सी सेक्शन निकाला है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि अभी हमें लगाना है मांग टीका। और यहाँ पे मैं पहले यूज़ कर रही हूँ शाइन स्प्रे ताकि जितने भी बेबी हेयर है वो बैठ जाएं और प्रॉपर शाइन आ जाए हेयर में। और यहाँ पे अब मैं टीका लगा रही हूँ, टीके में मैंने ऑलरेडी थ्रेड लगा लिया है और इसको लॉक कर देंगे विद बॉबपिंस, छोटी वाली बॉबपिन से लॉक करना है, क्रिस क्रॉस पोजिशन में लगानी है पिंस और बाकी का थ्रेड उसके साथ लॉक कर देना है। एंड देन अब हमें यहाँ पे बनाना है पफ, तो एक एक सेक्शन लेंगे, बैक कोमिंग करेंगे, बैक कोम को लॉक करेंगे होल स्प्रे के साथ में। एंड यहाँ पे मैं होल स्प्रे जो यूज़ कर रही हूँ दैट इज स्टाफ नंबर 5, और इसी तरह हम सेक्शन बाय सेक्शन लेंगे, वैक्यूम करेंगे और पफ क्रिएट करेंगे। एंड अगर आपकी ब्राइड का दुपट्टा बहुत ही हैवी है तो आप यहाँ पे स्टफिंग का यूज़ करेंगे और उसी से पफ बनाएंगे ताकि उस पर दुपट्टा सेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉपरली वैक्यूम करने के बाद अब एक एक करके सेक्शन को पीछे लेके आएंगे और अब इन सारे ही सेक्शंस को एक साथ पकड़ के हम नीट करेंगे। नीट करने के बाद अब इस पफ को करेंगे लॉक, तो यहाँ पे मैं ट्विस्ट करके इस तरीके से पफ को लॉक कर रही हूँ और यहाँ पे मैं बॉब पिन्स की हेल्प से इसको लॉक कर रही हूँ। पफ बनाने के बाद अब हम बैक हेयर को खोलेंगे और वहाँ पे करेंगे कर्ल्स, तो रैंडमली हमें सेक्शंस लेने हैं और करने हैं आयरन कर्ल्स। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आइकॉनिक की प्रो टाइटेनियम शाइन स्ट्रेटनर और अच्छे से इसको कर्ल करना है, एक एक सेक्शन को हमें कर्ल करना है। जब भी आप टमी हेयर पे वर्क कर रहे हो तो अपनी मशीन्स का टेम्परेचर लो रखो, और जब भी आप क्लाइंट पे वर्क कर रहे हो तो आप 180 से 210 के बीच में टेम्परेचर सेट कर सकते हो। बहुत ही सुंदर रील्स और वीडियोस जो हैं वो मेरे इंस्टा और फेसबुक पेज पर ऑलरेडी डल चुकी हैं, तो आप चाहो तो उन्हें जाकर अभी देख सकते हो, लिंक है इन डिस्क्रिप्शन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से मैं आयरन कर्ल्स कर रही हूँ। आयरन कर्ल्स जो है तो स्टे भी बहुत अच्छा करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और इनका जो लुक है वो भी बहुत अच्छा आता है। और इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इससे हम ऊपर के बालों को स्ट्रेट भी कर सकते हैं पहले, और नीचे के हेयर जो है वो कर्ल भी कर सकते हैं।
कफ वाला जो सेक्शन होता है उसे बहुत ही आराम से इस तरीके से पिन को होल्ड करके कर्ल करना होता है ताकि जो पिन है वो लूज ना हो या निकले नहीं। और हमारे बैक कर्ल्स हो चुके हैं, बारी आती है फ्रंट कर्ल्स की, फ्रंट हेयर स्टाइलिंग की। उससे पहले अभी तक जितने भी हमने कर्ल्स करे हैं उनको लॉक कर देंगे टाफ नंबर 5 के स्प्रे के साथ। और अब बारी आती है फ्रंट स्टाइलिंग की, तो यहाँ पे एक एक सेक्शन लेना है और कर्ल करना स्टार्ट करना है। जहाँ भी आपको फ्रिजी हेयर या बेबी हेयर फील हो आप वहाँ पे उसे स्प्रे करेंगे एंड देन कर्ल कर लेंगे। इसी तरह अब दूसरा सेक्शन लेंगे और जैसे ही हम अपने बॉक्स सेक्शन की तरफ में आएंगे तो वहां पे हमें करनी है बैक कॉम्बिंग। तो यहाँ पे गाइडलाइन रहेगी आईब्रो आर्च और वहां से जैसे ही आप आ जाओ वहां तक के सेक्शन पे, वहां पे आपको करनी है बैक कॉम्ब और उसको लॉक करना है टाफ नंबर 5 की स्प्रे के साथ या किसी भी होल स्प्रे के साथ एंड देन नीट करना है और उसी डायरेक्शन में कर्ल्स कंटिन्यू करना है। हैंड कर्ल्स करने के बाद आप इस तरीके से वॉल्यूम को और बढ़ा सकते हो यूजिंग योर टेल कॉम्ब टेल। और यहाँ पे जो मेरे कर्ल्स थे मैंने उसको एक साथ मिक्स कर दिया है और अब मैं पीछे के हेयर भी आके करूंगी जिससे कि मुझे एक लुक का और बेटर आइडिया लग जाएगा नाउ, क्योंकि हमें ये सेंटर नहीं साइड पार्टिंग हेयर स्टाइल बनाना है। तो मैं एक और सेक्शन ले रही हूँ और इस पर भी बैक कॉम्ब करूंगी एंड नीट करके कर्ल करूंगी। इसी तरह प्रॉपर से साइड पार्टिंग करके इस तरह से वॉल्यूम बढ़ाना है एंड नीट करना है हेयर स्टाइल को और फिर प्रॉपरली स्प्रे करना है ताकि जो हेयर हमने कर्ल करे हैं बैक कॉम्बिंग से सेट करे हैं वो एज इट इज सेट हो जाएं। और यहाँ पे आप देख सकते हो वापस से मैं जितने भी कर्ल्स मैंने किए थे उनको मिक्स कर लिया, एक साथ कर लिया। और अब बारी आती है दूसरे साइड को सेट करने की, तो यहाँ पे हम फ्लिक निकाल देंगे एक और बाकी के हेयर को सेट करेंगे। और इस सेक्शन पे हम थोड़ी सी करेंगे बैक कॉम्बिंग और उसको लॉक करेंगे स्प्रे के साथ और फिर इस सेक्शन को भी पीछे लाके सेट कर देंगे। और अब हम इसमें थोड़ी सी लाइंस क्रिएट करेंगे इस तरीके से एंड इसको फाइनल लॉक कर देंगे स्प्रे के साथ। और अब बारी आती है हमारी फ्रंट फ्लिक को कर्ल करने की, तो इसमें भी हम आयरन कर्ल कर लेंगे। इसके बाद बैक पे जितने भी स्ट्रेट हेयर रह गए हैं पफ के या फिर किसी भी सेक्शन के उन्हें भी हम प्रॉपरली कर्ल कर लेंगे और एक बार और अच्छे से ऑल ओवर दी हेयर हम स्प्रे कर लेंगे एंड आवर हेयर स्टाइल इज डन। एंड यहाँ पे फाइनल टचअप हम दे रहे हैं और ये फाइनल लुक है आप देख सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।